बटुली लगी रे राम झुमटे गुड गुड बटुली लगी रे राम झुमटे। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बागेश्वर जिले में इन दिनों कई जगहों पर धान की रोपाई चल रही है। परंपरागत तरीके से की जाने वाली धान की रोपाई में परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र खासकर कुमाऊं में धान की खेती में रोपाई का अपना अलग ही महत्व है। परंपरागत रूप से की जाने वाली धान की रोपाई में ग्रामीण एक दूसरे की मदद करते हैं। पहाड़ों में जिन जगहों पर पानी का अभाव होता है, वहां धान की रोपाई के लिए ग्रामीण बरसात का इंतजार करते हैं, ताकि खेतों को पानी मिले तो धान की फसल की रोपाई कर सके। वहीं बीते रात से दोपहर तक झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अभी हमारे जो पूरे खेत बिल्कुल लाल हो रखे थे मिट्टी से, अभी उनमें हरियाली दिखेगी। हमारे जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत चारा उपलब्ध हो पाएगा, जो कि अभी तक हम लोग निराश थे, उससे काफी उम्मीदें बढ़ी हैं हमारी। हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, हम भी करेंगे आगे। और क्या कहते हैं, हमारे संस्कृति है, हमारे लिए अत्यावश्यक है ये, अच्छा है। हमारे करते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है। खरीफ का सीजन चल रहा है, क्योंकि धान की रोपाई बहुत जगहों पर चल रही है, तो बारिश तो बहुत ही अच्छी है। बारिश से ही ये फसल अच्छी होगी, क्योंकि अभी समय जहाँ पर नमी नहीं थी, जहाँ रेनफेड एरिया था, जहाँ धान बो दिए गए थे पहले से, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो बढ़वार जल्दी हो जाएगी, पानी मिल गया। और ये जहाँ पर रोपाई हो रही है वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 14-15 हज़ार हेक्टेयर में यहाँ पर धान की खेती होती है, जिसमें 7-8 हज़ार से ऊपर लगभग रोपाई होती है, और खरीफ के फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की बारिश होती रहेगी और प्रोडक्शन इस साल और अच्छा होगा धान का। बागेश्वर जिले में लगभग 15,000 हेक्टेयर में किसान धान की खेती करते हैं, जिनमें से लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि में किसान धान की रोपाई करते हैं। बारिश पर निर्भर किसान मानसून की पहली बारिश होने पर अब खुश होकर अपने काम धंधों में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।